शहर के भगवागर चौक के पास दो आरोपियों को तहसील पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपी कुलदीप उर्फ पिन्नू पांडे और नोगल पाटिल से जिंदा कारतूस और पिस्तौल बरामद की है। आगे की तफ्तीश तहसील पुलिस कर रही है। आए दिन शहर में शातिर आरोपी फिर से एक बार हत्या, लूटपाट, डकैती, पिस्तौल दिखाकर डराना, धमकाना या फिर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए शहर में घूम रहे हैं। ऐसी एक घटना मोमिनपुरा चौक के पास हुई है, जहां दो आरोपी को पिस्तौल के साथ तहसील पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। स्क्रीन पर दिख रहे ये वही दो आरोपी है जिन पर शहर की अलग अलग थानों में मामला दर्ज है। अस्टिंगर में रहने वाले ये दो आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से होंडा सिटी इस चार पहिया वाहन पर मोमिनपुरा स्थित भगवा घर चौक के पास जा रहे थे। उसी दौरान तहसील पुलिस ने इनके बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस उस टाइम मोबाइल पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस ने जैसे तैसे फिल्म स्टाइल में आरोपी की गाड़ी को रोका और आरोपियों की तलाशी ली गई, जिसमें तहसील पुलिस को एक पिस्तौल और बुलेट मिली। पुलिस ने उन्हें फौरन तहसील थाना लेकर पुलिसिया स्टाइल में पूछताछ की। अगर पुलिस ने यदि इन आरोपियों को नहीं दर्दबोच दी तो शायद बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते दोनों आरोपियों पर अंकुश लगाने पर तहसील पुलिस को कामयाबी मिली है। शहर की जनता तहसील पुलिस द्वारा अच्छा काम किए जाने से पुलिस की सराहना कर रही है। आपको बता दें कि एक आरोपी का नाम पिन्नू पांडे है और दूसरा आरोपी निगल पाटिल है। आरोपी पिन्नू पांडे के पिता खुद पुलिस में है, जिससे पुलिस खेमे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिन्नू पांडे एक शातिर आरोपी है और इसके खिलाफ अलग अलग थानों में हत्या, डराना, धमकाना और गैर कानूनी हथियार रखने के कई शिकायत दर्ज है, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी। तो अच्छा हुआ कि इन दो आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया, वरना बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। इस घटना के बारे में तहसील थाने की PI जयेश भंडारकर इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। नागपुर शहर में दिन ब दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबरें बार बार आ रही है। ये सच्चाई है, क्योंकि नागपुर शहर में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, उस प्रकार से उस क्राइम को रोकने के लिए भी पुलिस पूरी तरह से कामकाज कर रही है। जी हाँ, बात करने जा रहे तहसील पुलिस थाना के अंतर्गत एक ऐसी वारदात हुई जहाँ पे दो आरोपियों को पिस्तौल के साथ धर दबोचा है। आइए पूरा क्या माजरा है इस समय में हमारे साथ में तहसील पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से वो जो कार्रवाई की गई है, क्या कहना चाहोगे आप? दिनांक 22 जनवरी 2021 के रात करीब 12:30 बजे की बात है। हमारे नेतृत्व में PSI प्रशांत राठौर और हेड कांस्टेबल समीर शेख और उनकी पार्टी भगवागर मोहनपुरा रोड पे गश्त कर रही थी। तब एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि CA रोड से मेयो की तरफ से एक संशयास्पद होंडा सिटी व्हाइट कलर की आ रही है, जिसमें कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी चल रही है। तो हमारे स्टाफ ने वो गाड़ी को भगवागर चौक में रोका और जब गाड़ी को रोके उसकी झटकी लिए तो गाड़ी में कैलाश नोगल कैलाश पाटिल उम्र 28 साल कुलबा स्वामी चौक जूनी मंगलवारी थाना लकड़गंज और पिन्नू उर्फ कुलदीप शशिधर पांडे उम्र 30 साल अवस्थी नगर PS गिट्टी गदाम मिले और उनके हिरासत में एक देसी बनावट की पिस्तौल जिसकी कीमत 30,000 रुपये और लाइव राउंड्स मिला जिसकी कीमत 1,000 और हीरो होंडा सिटी 11 लाख, ऐसा कुल प्रकार 11,30,000 हमारे उनके हिरासत से मिला। और करीब रात 12:30 बजे अगर दो पुराने क्रिमिनल आर्म्स के साथ घूम रहे हैं तो एक बड़ी वारदात शहर में देने का उनका कोई कोशिश होगा, वो उसको प्रिवेंट हुआ है। इसमें आरोपी पिन्नू उर्फ कुलदीप शशिधर पांडे इनके ऊपर PS सदर गिट्टी कदम में मर्डर अटेम्प्ट मर्डर के बहुत से गुने दाखिल है और एक नामदर्ज गुनहगार है। दोनों आरोपी को हमने हिरासत में ले ली है और अभी विद्यमान कोर्ट से उनका PCR प्राप्त करके ये पिस्तौल कहाँ से लिए थे, उस दिन कौन से गैर कार्रवाई करने के लिए उसको अंजाम देने वाले थे, ये सब का इन्वेस्टिगेशन शुरू रहेगा। आज दिन शहर में गुनाहों का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हाल ही में पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके हाथ में पिस्तौल थी। एक बड़ी वारदात होने जा रही थी, मगर पुलिस की सतर्कता के साथ उस वारदात पूरी तरह से उसके ऊपर में रोकथाम लग गई और आरोपियों को तहसील पुलिस के जाबाज पुलिस वालों ने धर दबोचा है। अगली जांच जारी है, कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर में क्या कानूनी कार्रवाई होती है और क्या कलम के अनुसार उन्हें और क्या सजाएं मिलती है, इस और पूरे राज्य की जनता की निगाह लगी हुई है। तहसील पुलिस थाने से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, इन BCN न्यूज़ नागपुर।